विदा करते थे कभी होटल में नौकरी, लेकिन आज कैसे सुनील शेट्टी है अरबों के मालिक। बॉलीवुड के शालीन अभिनेता सुनील शेट्टी को बॉलीवुड से जुड़े लगभग 30 साल हो चुके हैं और इनको लेकर कंट्रोवर्सी नाम के समान है। सुनील शेट्टी बॉलीवुड के अभिनेताओं में से एक ऐसे अभिनेता है जो शुरू से ही सभी बॉलीवुड एक्टर्स की मदद करते आए हैं, लेकिन वो इसमें अपना नाम कभी भी नहीं लेते हैं और यही बात उन्हें और भी अच्छा एक्टर बनाती है। सुनील शेट्टी बॉलीवुड के सफल अभिनेताओं में से एक है, साथ ही उन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के निर्माण में अपना हाथ भी आजमाया है। आज मौजूदा दौर में भी सुनील शेट्टी बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, साथ ही वो आने वाले कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। लेकिन सुनील शेट्टी के संघर्ष की कहानी काफी दर्द भरी रही है। हिंदी फिल्मों में एक खास पहचान बनाने वाले हार्ड वर्किंग अभिनेता सुनील शेट्टी का पूरा नाम सुनील अप्पा शेट्टी है। सुनील शेट्टी को प्यार से लोग अन्ना भी कहते हैं। अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई। ये नाम उन्हें बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं ने दिया है। इन्होंने फिल्म में काफी नाम और शोहरत भी कमाई है। ये अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ अच्छे निर्देशक और बिजनेसमैन भी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अगर सुनील शेट्टी साल भर भी कोई फिल्म ना करे तो ये एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म मंगल औरिया परिवार में 11 अगस्त 1961 में कर्नाटक में हुआ था और इस समय इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। इन्होंने अपने आप को ऐसा फिट करके रखा हुआ है कि देखने के बाद इनकी उम्र का अंदाजा आप भी नहीं लगा पाएंगे। इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा समय तक काम करने वाले सुनील शेट्टी नई ब्लॉकबास्टर फिल्मों में काम भी किया है। अपने किरदार में पानी की तरह ढल जाते हैं, चाहे इन्हें एक्शन दे दीजिए या फिर कॉमेडी, हर किरदार में ये काफी अच्छी तरह से मिल जाते हैं। यही कारण है कि सुनील शेट्टी आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। संघर्ष की अगर बात करें तो सुनील शेट्टी अपने पिता को हीरो मानते हैं। सुनील शेट्टी ने अपने पिता के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि महज 9 साल की उम्र में मेरे पिता मुंबई आ गए थे। जब भी मुझे कोई पूछता है कि मेरे हीरो कौन है तो मैं अपने पिता का नाम लेता हूँ। मुझे अपने पिता पर गर्व है और जिस तरह की अविश्वसनीय जिंदगी उन्होंने जी है उसे देखकर मुझे गर्व होता है। मेरे पिता एक सफाई कर्मी थे, उन्हें अपने काम को लेकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी और यही चीज मुझे मेरे पिता ने सिखाई है। अपने पिता को लेकर सुनील शेट्टी आगे कहना थे कि मेरे पिता ने जीवन गुजारने के लिए जो भी किया उसमें शर्म नहीं की। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिन इमारतों में उन्होंने सफाई कर्मी के रूप में काम किया था वो एक दिन वहाँ के मैनेजर बन गए और उन सभी इमारतों के मालिक भी बन गए। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि जो भी काम करो उस पे गर्व करो और उसे पूरे दिल से करो। पिता की बातें सुनील शेट्टी ने भी अपना ली और आने वाले समय में उन्होंने ऐसी मेहनत की कि उनकी मेहनत ने रंग लाया। कैरियर की बात करें तो सुनील शेट्टी फिल्मों में आने से पहले एक अच्छे खासे बिजनेसमैन बन चुके थे। ऐसे में उन्होंने साल 1996 में आई हुई बलवान फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। फिल्म सुपरहिट हो जाने के बाद वो आने वाली तमाम सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बने। सुनील शेट्टी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में पाने के लिए कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा कि पहली फिल्म तो सुपरहिट साबित हो गई थी, लेकिन उसके बाद उस जमाने के कई एक्टर्स ने उनके एक्टिंग के मजे भी लिए थे। लोगों का कहना था कि सुनील शेट्टी की एक्टिंग में कोई इमोशन नहीं होते हैं, ना ही एक्टिंग करना आता है ना ही उन्हें डांस करना आता है, पर ये बात सुनील शेट्टी के दिल पर लग गई थी और इस बात का जवाब उन्होंने अपनी मेहनत से दिया। आने वाली कई फिल्मों में सुनील शेट्टी ने बड़ी फिल्मों में काम किया और एक सफल एक्शन हीरो के तौर पर उन्होंने अपनी नाम और अपना शोहरत बनाया। इसी के साथ अगर सुनील शेट्टी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी से छुपी नहीं है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी ने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया और फिल्मों में आने से पहले सुनील शेट्टी शादी के पवित्र बंधन में बन चुके थे। अपनी प्रेम कहानी को उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दुनिया के सामने रखा था। होता यूँ है कि साल 1998 को शेट्टी ने अपनी लव स्टोरी का इजहार किया था। सुनील शेट्टी ने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार माना को देखा था तो ही उन्हें प्यार हो गया था। आगे बताते हैं कि मुझे पहली नजर में ही माना काफी पसंद आ गई थी। इसके बाद मैंने उसकी बहन से दोस्ती की, बहन के बहाने मैंने माना से मुलाकात की, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला कई सालों तक चला। दोनों की मुलाकातें तो चालू हो गई थी लेकिन दोनों को प्यार का इजहार करने में काफी टाइम लग गया था।
सुनील शेट्टी ने सिमी अग्रवाल को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी थी कि हमने अपने रिश्ते में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमारे बीच में कभी भी प्यार कम नहीं हुआ। शुरुआत में रिश्ता चलने के बाद में हमने काफी सोचा। माना के पिता गुजराती मुस्लिम थे और माँ पंजाबी थी, मैं साउथ इंडियन से था। हमारे कल्चर और लाइफस्टाइल काफी अलग थे, इस बात को लेकर हम काफी परेशान भी रहते थे। हालांकि माना को मेरे पेरेंट्स ने एक दो बार देखा हुआ था। कई सालों तक जब मैंने अपने घर पर इस बारे में बातचीत नहीं की तो मेरे पिता के साथ माना कार में चली गई। इस दौरान दोनों ने बातचीत की और घर वाले शादी के लिए मान गए और इन दोनों की शादी साल 1991 में हो जाती है। आज माना शेट्टी से सुनील शेट्टी को एक बेटा और एक बेटी है और दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च हो चुके हैं। अभी हाल ही में सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने क्रिकेटर केएल राहुल से शादी रचाई थी, जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। सुनील शेट्टी के मौजूदा करियर की बात करें तो वो आने वाले समय में कई फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।